अच्छा, इसके अंदर एक चीज ग्वादर के अंदर जो सबसे अहम है कि बहुत सारे मुल्कों की ताकतें नहीं चाहती कि हम कामयाब हों, तो बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठे हुए जिनको ना आते हैं ना देखते हैं ना पता है। मुल्की लेवल पे तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि ग्वादर फ्लॉप हो जाएगा, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, आर्मी ये नहीं कर रही, आर्मी वो नहीं कर रही। मुल्की लेवल के लोगों को छोड़ें, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो घरों में बैठ के जाहिल लोग जिनको ना आगे का पता होता है ना पीछे का पता होता है, ना आते हैं ना जाते हैं, वो ऐवें घरों में बैठे र्यूमर्स फैलाते रहते हैं कि यहाँ पे ना जाएं, पैसा इन्वेस्ट करें, फ्रॉड हो रहा है, गोली मार रहे हैं, पानी नहीं है, खाने को नहीं है। तो काइंडली ऐसे लोगों पे आप बिल्कुल एतबार ना करें। और ये लोग हमारे मुल्क गद्दार लोग हैं, इन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी वहाँ बैठे हुए कोई भी गलत बात ना करें। जी अच्छा, यहाँ पे लोग मतलब अपने घरों में बैठे अपनी खुद की राय ना बनाएं, काइंडली यहाँ आए विज़िट करें। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्वादर को। ग्वादर ने 1,00,000 एकड़ रकबा रखा है डिफरेंट मुल्कों की रिफाइनरी के लिए कि वो यहाँ आएंगे, प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, रिफाइनरी करेंगे ऑयल की, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, अभी भी हैं, तुरबत यूनिवर्सिटी है, गर्ल्स कॉलेज बने हैं, बॉयज़ कॉलेज बने हैं, बहरिया ने स्कूल बनाया है, बहुत सारी साइट्स आपने देखी, सारी साइट्स मैंने विजिट की हैं। हम इस वक्त सिंघार टाउन की साइट पे खड़े हुए हैं जहाँ से ये जॉट्स आपको शायद वीडियो में नज़र आ रही हो, तो लोग फिशिंग का शिकार करके वापस आ रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे पीसी भी ऊपर है, इसी कोहे बातील पे है, यहीं पे पीसी है। यहाँ पे 300 से लेके 360 फीट तक रोड बन रहे हैं, इवन के जो गलियां हैं वो भी 150 फीट की बन रही हैं, जबरदस्त, ठीक है। यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी ईरान से भी आ रही है जो यूज हो रही है। पाकिस्तान अपने प्रोजेक्ट्स भी लगा रहा है, अपने डैम भी बना रहा है, सोलर सिस्टम भी लगा रहा है। यहाँ पे पार्क्स बन रहे हैं, एनर्जी पॉइंट्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल चेन्स होटल्स की आ रही हैं जो कि 100 से ज़्यादा के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो डेवलपमेंट के मतलब बिल्कुल पीक लेवल तक पहुँच गई हैं, ठीक है। यहाँ पर कटिंग हो रही है, यहाँ पर मतलब मैं आपको जिस लिहाज से भी कहूँ सर, शॉर्ट हैंड बात एक ही है कि दिस इज टाइम टू पार्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट और दिस इज टाइम टू पार्ट बूस्ट हमारा